where it started. So let's start with a Q&A. Still, I request Siddhanji to just little announce about the concert which is going to happen, and then let's straight go to the Q&A. If any questions you have. Hello. Finally, we have Mr. Zubin Audio here announcing his show. We have been in Ahmedabad for quite some time now, and so this is the first time the artist is here at the venue. So he'll be here, he'll be talking about his event, and it's scheduled 9th of December. This is what you'll talk about. Hello, guys. First of all, welcome to Trans Radio. बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? कॉन्सर्ट होने जा रहा है, क्या इसकी विशेषता है? बहुत बड़ा मैदान है ट्रांस स्टेडियम, किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या नया देने वाले हैं? थोड़ा सा इसमें रिवर्ब बेस कम हो सकता है? तो हम लोग ऑन स्केल में कुछ 10-12 कंट्रीज से प्ले करके आए. यूजुअली एक आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, पहले इंडिया में सब जगह प्ले करता है, उसके बाद विदेश जाने का मौका मिलता है. बट अपने तारे कुछ ऐसे रहे और कुछ ऐसा रहा कि पहले हम लोग सारे बाहर के टूर्स रहे. US करा भी हमने, UK करा हमने, ऑस्ट्रेलिया करा, और दुबई, मॉरिशियस, बैंकॉक, बहुत सारे इंटरनेशनल शोज करे. और देख के बहुत खुशी हुई कि इतने सारे इंडियंस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है और हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को सुनने आते हैं, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को देखने आते हैं. तो लगा कि अगर यहाँ पर इतनी भीड़ है तो अगर इंडिया में हम लोग करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और एक बहुत ही सुंदर शो बनाया जा सकता है. तो आज मैं आया हूँ ट्रांस स्टेडियम. हमने असल में फिर उसके बाद ट्राई करा कि काफ़ी अलग अलग जगह शो करें, लेकिन कहते हैं ना, जब जहाँ तारे ले जाते हैं उधर ही चलना चाहिए. वो कुछ ऐसे ग्रह बैठे कि इवेंचुअली हमारी इंडिया टूर की शुरुआत ही गुजरात से हो रही है. यहाँ पे जब हमने शुरू करा बात करना तो वेन्यू से लेकर के, डेट से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, हर चीज़ अपने आप ही एक के बाद एक रास्ते में बढ़ती रही. और हम लोग को पहला शो इंडिया में हम लोग अहमदाबाद गुजरात से कर रहे हैं ट्रांस स्टेडियम. और जो पूरा मोटिव है शो में इस तरह से पर्सनली इन्वॉल्व होने का, ताकि क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे शोज बहुत सेम से दिखते हैं. सेम स्टेज होता है, सेम वेन्यू होती है, सेम ऑडियंस होती है, सेम ही गाने हो रहे हैं, म्यूजिशियन भी सेम ही होते हैं. थोड़ा सा उसको एक लेवल और ऊपर ले जाकर के कुछ अच्छा और खूबसूरत दिखाने की उम्मीद कर रहा हूँ मैं. इसलिए अहमदाबाद आया हूँ, खुद वेन्यू देखने आया हूँ, वेन्यू समझने आया हूँ, और ये समझने आया हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं अहमदाबाद के लोगों के लिए. जब हम अगर ऑनलाइन जाके देखते हैं तो अहमदाबाद से हमें बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत प्यार मिलता है. जब भी गाने रिलीज होते हैं, जो आखिरी गाना मैंने शूट करा वो मैंने यहीं गुजरात में अहमदाबाद में शूट करा. उसमें शुरुआत में थोड़ा गुजराती बोलने का भी मौका मिला मुझे. तो मुझे लगता है दीज आर ऑल साइंस. एंड अब मी एंड माई होल टीम वी आर हियर, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द शो आवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ ऑल द ब्रदर्स एंड लोकल प्रमोटर्स हु आर हेल्पिंग अस इन दिस. एंड साथ में मिलकर करेंगे कुछ देखने के लिए. अगर अभी सब बता दूंगा तो फिर कैसे चलेगा. बट हाँ, डेफिनेटली लाइट, साउंड और परफॉर्मेंसेस बहुत स्पेशल रहेंगी, सॉन्ग सिलेक्शंस बहुत स्पेशल रहेंगे. और एक स्टेडियम में कॉन्सर्ट होता किस तरह से है उसको हम लोग अच्छी तरह से दर्शाना भी चाहते हैं और एक स्टैंडर्ड भी सेट करना चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एक मार्क बनाना चाहते हैं.
किस तरह से हम बाकी सारे शोज में से एक ऐसा शो कर सके जो आपका अपना शो हो भी एंड एट द सेम टाइम अलग भी दिखे. सर ऐसे मैं तो काफ़ी भाषाओं में गाता हूँ तो सेट लिस्ट अभी तैयार नहीं करी, पर हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गुजराती में गा के जाना पड़ेगा. जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, तो गुजराती में जरूर पहुँच गाऊंगा, कुछ खूबसूरत गाऊंगा आपके लिए. जी सर, तेलुगु में भी गाता हूँ और तमिल में भी गाता हूँ और पहाड़ी हूँ तो अपनी भाषा में भी गाता हूँ, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत गा लेता हूँ. तो देखते हैं, या मल्टीलिंगुअल मेरे ख्याल से डेफिनेटली कुछ एक ऑडियो विजुअल ट्रीट रहेगी आपके लिए. तो भाषाएं तो हिंदुस्तान में अपने आप में इतनी सारी भाषाएं हैं लेकिन भावना एक ही है, तो भाषा समझ में आए ना आए लेकिन भावना जरूर समझ में आए. व्हाट डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन द प्लेबैक सिंगिंग एंड द कॉन्सर्ट? सर प्लेबैक सिंगिंग थोड़ी पर्सनल सी होती है, आपसदारी की बात होती है, दो लोग आपस में अगर बात करेंगे तो वो होता है प्लेबैक सिंगिंग. और जब एक बंदा बहुत सारे लोगों से बात करेगा वो होती है कॉन्सर्ट सिंगिंग. दोनों में डिफरेंस है कि स्टूडियो में थोड़ा एनवायरनमेंट एक्सप्रेशन पे ज़्यादा रहता है और स्टेज पे प्रोजेक्शन पे ज़्यादा रहता है, परफॉर्मेंस पे ज़्यादा रहता है, एंगेजमेंट पे ज़्यादा रहता है. अगर मैं खुद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँगा तो मुझे लगता है जनता भी इन्जॉय करेगी. सर आपका पहला शो गुजरात में है, अहमदाबाद से शुरू कर रहे हैं, क्या बात है. तो ज़्यादातर जितने भी शो हमने देखे, आपका जो पोल में एल्बम सॉन्ग था वहाँ पे मैं फोटोग्राफी करने के लिए आया था, आपका ध्यान नहीं पहचान रहा लेकिन वो सॉन्ग और यहाँ जो पब्लिक के सामने कुछ चॉइस कुछ दिमाग में रखा कि मैं ये सॉन्ग प्ले करूँगा. ऑनेस्टली जब भी गाना रिलीज होता है इतने सारे मैसेज आते हैं गुजरात से, तो सबसे पहले तो जो अपने गाने, तो हिंदुस्तान में सर मैंने अभी तक शो करा ही नहीं है इस स्केल पे, हम लोग ने करा नहीं क्योंकि बीच में कोविड था, मौका लगा नहीं उसको. बहुत सारे गाने रिलीज करे कोविड के बाद, हम सीधा वर्ल्ड टूर पे निकल गए. तो यहाँ जो जनता आने वाली है 9 दिसंबर को, सबसे पहले तो एक बहुत बुके ऑफ सॉन्ग्स है जो मैंने कभी उन्होंने सुने ही नहीं लाइव, पहले तो वो सुनेंगे. उसके अलावा मैं और भी कुछ ऐसे ऐसे फ्लेवर सुनाना चाहता हूँ, मैं कुछ पुराने गाने भी गाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है बचपन से जो गाया करता था, ऐसा भी कुछ गाना चाहता हूँ. कुछ ऐसे गाने हैं जो शायद उसका कोई, उसमें कोई रेस रिलीजन कुछ है ही नहीं, उसमें कोई एज नहीं है उस गाने की. वो गाने मेरे पैदा होने से पहले भी चलते थे और शायद मेरे बुढ़ापे तक भी चलेंगे, तो ऐसे भी कुछ गाने रहेंगे उसमें. कुछ कुछ पर्सनल सी बातें होंगी, कुछ शेर व शायरी होगी, और अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ. कुछ कुछ यहाँ पे जो लोग देखेंगे ये आपको, जी जी, इसके लिए कुछ दो लाइन बता दीजिए. गुजराती में हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपके दिल के करीब है वही सुना. गुजराती गाना मुझे थोड़ा सा याद करके आना पड़ेगा, पर दो लाइन ऐसे मैं जरूर गा सकता हूँ. काटूं कैसे रातां ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ लंबे आरे, कटे तेरे संगया संगया, के रातां लंबे आ लंबे आरे, कटे तेरे संगया संगया. आप सब लोग को सर की तरफ से फ्री पास. और प्लीज आइएगा, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग. पहली बार गुजरात आ रहा हूँ, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए. एंड एक प्रॉमिस कर सकता हूँ दैट वो रात 9 दिसंबर की रात आप लोग भूलेंगे. एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम माय रिलेशनशिप स्टेटस? मतलब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ मीडिया हैज आस्क्ड
क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं हुआ है कि यू नो अ सिंगर हु हैज कम अ मंथ बिफोर डन देयर होमवर्क डूइंग प्रेस मीटिंग मीडिया कनेक्टिंग ऑन अ वेरी डीप लेवल सो दे वर आस्किंग मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाई यू नो नोबडी इज डूइंग दैट व्हाई ही इज डूइंग सर क्या होता है कि हम हमारी ना आदतें खराब कर दी आप लोग के प्यार में हम आते हैं राजा की तरह सीधा जाकर के स्टेज पे फिर वहाँ दो हल्ला मचाते हैं फुल अच्छा गाना वाना गा करके साइड में बैठ के चले जाते हैं मैं चाहता हूँ थोड़ा और एक पर्सनली इन्वॉल्व होकर के मतलब अगर कुछ अलग देना है तो उसको अलग तरह से देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा तो मेरा पूरा उद्देश्य इसमें यह है कि वो फाइनेंशियली शो कैसा करता है उसकी मार्केटिंग कैसे होती है वो मेरा कंसर्न नहीं है मेरा कंसर्न है कि हम किस तरह से एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पर एक अच्छा ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस हो शो जो होता है वो सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं होता उसका नाम शो है यानी कि देखना पड़ता है उसको तो उसको देख करके किस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके हम लोग सब साथ में जब भी हम लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं मैं नहीं सोचता कि हम 8 लोगों का बैंड है जो सिर्फ प्ले कर रहा है मुझे लगता है हम जितने यहाँ 18-20 हज़ार लोग हैं हम सब एक बैंड है हम एक यूनिट है क्योंकि जब हम गाने गाते हैं तो आप लोग सब हमारे साथ गाने गाते हैं जोर जोर से गाने गाते हैं अगर मैं आप लोग को ऐसे 2 घंटे आपके पूरे दिन से आपकी सारी तकलीफें आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपको अगर 2 घंटे के लिए मैं भुला सकूं सो अब मुझे लगता है आई एम डूइंग माय जॉब वेल एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सो दिस इज द न्यू डे सर न्यू सर यस So whoever has registered, you know, for a one-to-one, will do it at hall number 6 number. Chhatha maale apne kariye chhe. Any questions if you have, we can close the press. Any question you want to ask? The best press. Best press. Thank you. Thank you so much.